मालेगांव में क्यों बढ़ रहे हैं खुदकुशी के वाकयात, क्यों ले रहे हैं लोग अपनी जान, क्या सबब है कि लोगों को खुद को मारना पड़ रहा है, क्या इसकी एक वजह लॉकडाउन और भुखमरी बेरोजगारी हो सकती है। औरों का तो पता नहीं, मगर मालेगांव में आज एक केस सामने आया जिसकी वजह भुखमरी और बेरोजगारी सामने आई। यह बिहाता खातून सिर्फ 23 साल की है, जो कि रमजानपुरा नाले किनारे की साकिन है, जिसका नाम फातिमा जमील अहमद बताया गया है। फातिमा का मायका इगतपुरी है। आज फातिमा ने अपने रहते घर में फांसी लगा ली। आसपास के लोगों से मालूमात हासिल करने पर फांसी लगाने की बुनियादी वजह यह सामने आई कि फातिमा के घर में खाने को कुछ नहीं रहता था और यह बेचारी भीख मांग कर अपने 2.5 साल की बच्ची का पेट पालती थी। और लॉकडाउन में ज्यादा परेशान होने की वजह से फातिमा ने यह इंतहाई कदम उठाया और अपने आप को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आप देख रहे हैं जाग मेरे शहर न्यूज चैनल। ऐसे ही अवामी बिदारी वाली न्यूज के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।